सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्लास के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। इस अवसर पर स्टूडेंट्स ने रंगारंग कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, साथ ही फिल्मी गीतों पर नन्हे मुन्ने छात्रों ने शानदार डांस कर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर स्टूडेंट्स के सेलिब्रेशन को बढ़ाने के लिए टीचर्स ने स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाए और इस स्टॉल पर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने अलग अलग डिशों का जायका लिया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ने एग्जीबिशन में कई चीज़ों के मॉडल बनाकर उसकी कार्यशैली को समझाया। इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन से उत्साहित सेंट थॉमस स्कूल के प्रिंसिपल फादर रेनी ने भी सभी स्टूडेंट्स को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज कल्चरल और फूड फेस्ट का कॉम्बो देखने को मिल रहा है, जिसमें कि सभी के उत्साह के साथ हिस्सा लेने पर बहुत खुशी हो रही है। वहीं इस आयोजन में स्टूडेंट्स भी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से हमारा टैलेंट उभर कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों ने प्लान किया था पहले, और ये सारी जो एग्जिबिट्स बच्चों ने बनाए हैं वो एक हफ्ते के भीतर बनाए हैं, आप कह सकते हैं। और ये एक साकार रूप है जो वो लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं, और जो ज्ञान उन्हें मिलता है उसी को एक रूप देते हैं, और इसमें उन्हें बड़ी खुशी मिलती है ना। तो ये उन्होंने इस मॉडल और जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके थ्रू दिखाए हैं, और इसमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही खुश हैं। बच्चों में बहुत टैलेंट है, बच्चों को और अगर प्रोत्साहित किया जाए तो वो और अच्छा कर सकते हैं, और वो अपने सारी कल्पनाओं को उन्होंने अपने सारे ज्ञान को इन एग्जिबिट्स के थ्रू प्रोजेक्ट किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इनमें प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हैं, हम उनको और एनकरेज कर रहे हैं। हाँ, आज बाल दिवस है, एक ख़ास दिन है, इसीलिए हमने बच्चों से कहा कि आपकी जो इच्छा है, जो आप जो जानकारी है उसके हिसाब से आप एग्जिबिट्स बनाएं, और ये देखने के लिए पेरेंट्स भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, सबको खुशी मिल रही है, सबको खुशी देना ही हमारा उद्देश्य है। या तो आज हम सेंट थॉमस स्कूल में आर्ट एंड स्किल्स एग्जीबिशन हमारे स्कूल में हेल्ड था, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स में सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं। हर सब्जेक्ट में अलग अलग जो मॉडल बने हैं उनमें कुछ ना कुछ सब ने टॉपिक लिए हैं, जैसे ज्योग्राफी में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग मॉडल्स बने। मेरे मॉडल मैंने दो तीन सब्जेक्ट्स में बनाए। इंग्लिश में जो मेरा मॉडल था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने तरीके के ना टाइप्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और सोशल वाला मेरा जो था उसमें था वाटर डैम, उसमें मैंने फंक्शन दिखाया था कि वाटर डैम किस तरीके से ना वर्क करता है, जब एक डैम ओवरफ्लो हो जाता है तो किस तरीके से उसके गेट्स खुल के हैं और उसमें से पानी रिलीज होता है स्ट्रीम्स में और वाटर रिवर्स में। इस तरीके के एग्जीबिशन से बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि उनको पहले तो अपनी स्किल्स शो करने का मौका मिलता है, कि उनको जितनी भी तरीके की स्किल्स हैं वो अपना आर्ट और टैलेंट दिखा सकते हैं, और फिर दूसरी चीज़ जितने भी ये मॉडल लगते हैं तो उनसे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, जो भी लोग अट्रैक्ट होते हैं उनसे ऑब्वियसली अप्रिसिएशन मिलता है, जिससे बच्चा आगे को और अच्छे मॉडल्स और अच्छा अपनी जो स्किल है उसको डेवलप कर सकता है। हाय एवरीबॉडी, आई विश यू ऑल द वेरी विशेस ऑफ द चिल्ड्रंस डे। माय डियर चिल्ड्रन, टुडे इज योर डे, एंजॉय योर डे। वी आर कंडक्टिंग डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स, एग्जीबिशंस, फूड फेस्टिवल, द होल डे विल बी एन एक्सपीरियंस इन योर होल लाइफ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द चिल्ड्रंस डे। वंस अगेन, Happy Children's Day. God bless you. What are the benefits the children get this type of activities? Actually, education means the overall or integral development of an individual. So whatever is going on here, it is part of education. So actually, this means, actually this is the bursary of Jawaharlal Nehru. So I always tell the students that this, you consider this as your own birthday that we have to celebrate on 14th of November. Which are enjoying there and which are participating in this festival?
Actually, children are enjoying a lot there, and actually the festival is also because man is a social animal. So we are living in the society. By this celebration also the students can contribute a lot to the society, because nowadays everybody is going after the mobile phone, this and the social media influence, and new gen media is also there. But apart from that, they have to go to our past, because the people were enjoying like this only in the past. Today's Children's Day. So is it a combo of culture and food fest for children? Yes, it's a combo of cultural program, exhibition and food festival.